हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह न्यूज है लिविंग रिलेशनशिप को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि ये जो याचिका है वह अविवेकपूर्ण है याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसमें लिविंग रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पारदीवाला की पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या पेटिशनर वास्तव में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन मांग करके अपनी सुरक्षा की आड़ में लिविंग रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश कर रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, यह जो है वो क्या है और लोग यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी लेके आ जाते हैं, हम ऐसे मामले पर जो है वो अब जुर्माना लगाना शुरू करेंगे और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार को लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से क्या लेना देना है। अदालत ने याचिका को सिर्फ अविवेकपूर्ण याचिका कहते हुए खारिज कर दिया है। याचिका जो है वो एडवोकेट ममता रानी द्वारा दायर की गई थी और लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना भी इस याचिका में की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बार बार यह माननीय न्यायालय लिविंग पार्टनरशिप का रक्षक रहा है और उसने कई निर्णय भी पारित किए हैं जो लिविंग रिलेशनशिप पार्टनरशिप के सदस्यों को सुरक्षा देने का प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे वे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों या इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे हों। इसके साथ साथ याचिका में प्रस्तुत किया गया कि लिविंग रिलेशनशिप को कवर करने के लिए कोई भी नियम और दिशा निर्देश नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर द्वारा किए गए अपराधों में भारी संख्या में वृद्धि हो रही है जिसमें रेप और मर्डर जैसे मुख्य अपराध भी शामिल हैं। इस संदर्भ में याचिका हाल के उन मामलों का हवाला देती है जहां महिलाओं को कथित रूप से उनके लिविंग पार्टनर द्वारा मारा गया, जैसे कि श्रद्धा वॉकर मामला भी इसमें शामिल है। पेटिशनर के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से दोनों लिविंग भागीदारों को एक दूसरे के बारे में और सरकार को उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके आपराधिक इतिहास और अन्य विवरणों के बारे में भी एक सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। जनहित याचिका में न केवल लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित कानून बनाने की मांग की गई बल्कि हमारे देश में लिविंग रिलेशनशिप में शामिल लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक डाटाबेस प्राप्त करने के लिए काम करने का भी निर्देश देने की मांग की गई। इसने तर्क दिया कि लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। याचिका के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने में केंद्र सरकार की जो विफलता है उसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का भी जो है वो उल्लंघन माना गया है। लेकिन जैसे कि दोस्तों जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो याचिका है इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।